भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, वो सागर जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, वो सागर जिसकी सीमाएं अनेकों देशों से लगती हैं, लगभग 21 देशों से लगती हैं, वो सागर जो इसराइल को भी एक तट देता है समुद्र का, तो गाजा पट्टी को भी। इस सब के बीच हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की कूटनीति इस समय किस तरह की है, क्यों युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने की आशंकाएं। 28 दिन बीत चुके लेकिन हमास से भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह की भी अब खुली जंग की पूरी तैयारी। हिजबुल्लाह के साथ वैगनर ग्रुप की हथियारों की नई डील लड़ाई सीमित रखने की कोशिशों पर भारी है। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग कर ऐलान कर दिया है कि अब इसराइल से लड़ने की उनकी बारी। जिस बात की आशंकाएं जताई जा रही, इसराइल हमास जंग उसी ओर मुड़ती जा रही है। जंग के दायरे में अब एक एक करके कई देशों की नीतियां, कूटनीतियां, रणनीतियां बनती जा रही हैं। पहले हमास हिजबुल्ला के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लीडर मिले और एकजुटता के साथ इसराइल के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, और अब यमन और रूस की बढ़ती भूमिका जंग की आग को और धधका सकती है। जंग के मैदान की कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ युद्ध नहीं बचा बल्कि महायुद्ध की शक्ल ले चुका है। हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ इसराइल और हमास के बीच, फिर इसमें शामिल हुआ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह और इसराइल पर रॉकेट दागने लगा। इसके ठीक बाद ईरान इस जंग में इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसराइल के साथ है। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में भी पाकिस्तान, तुर्की, इराक, यमन और सीरिया जैसे देश आए। समर्थन और विरोध इस युद्ध का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू हुआ कार्रवाई का। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और इसराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताने के लिए दो विमान वाहक युद्ध पोत भूमध्य सागर में उतार दिए। रूस ने भूमध्य सागर में अमेरिका की मौजूदगी के बाद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूसी विमानों को काला सागर पर गश्त लगाने के लिए तैनात कर दिया। काला सागर भूमध्य सागर से सिर्फ 1700 किलोमीटर दूर है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। ईरान ने इस्लामिक देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा में इसराइल की सेना के घुसने पर खुद जंग में उतरने का ऐलान किया। इसराइल हमास की जंग में अमेरिका और रूस की अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन जिस तरह पहले रूस ने खुद को परमाणु परीक्षण संधि से अलग किया वो चिंताजनक है, क्योंकि इसके बाद रूस परमाणु परीक्षण करने के लिए किसी बंधन में नहीं रहेगा और वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसराइल हमास जंग के बीच रूस का यह कदम अमेरिका पर दबाव बनाने की एक कोशिश माना जा रहा है। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक ट्रीटी थी जो कि साइन की गई थी जो भी न्यूक्लियर और मिसाइल पावर्स थी उस समय। उस समय रशिया ने तो साइन कर दिया था इसको, लेकिन अमेरिका ने साइन नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर डाला जा रहा है रशिया की तरफ। अगर वो अपने वेपन्स यानी कि मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग वापस शुरू कर देते हैं तो ये वापस एक न्यूक्लियर रेस और मिसाइल रेस शुरू हो जाएगी। तमाम देशों की कूटनीति और अपनी अपनी रणनीति के बाद जो तीसरा चरण है, अब वो महायुद्ध के पैनिक बटन को दबाता दिख रहा है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह ने ईरान और इराक का इसराइल के खिलाफ लड़ाई में खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया, अमेरिका को दोषी ठहराया, हमास के हमले को जायज ठहराया। यानी लेबनान, हमास, ईरान, इराक की भूमिकाओं को सीधे तौर पर इस युद्ध से जोड़ दिया। अब मैदान में हमास भी है, हिजबुल्ला भी है, यमन का विद्रोही शिया संगठन हूती भी है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी है। अब समझना यह है कि हिजबुल्ला और हूती दोनों ईरान समर्थित और पोषित संगठन है, यानी ईरान अपनी बाजी चल रहा है। हिजबुल्ला और हूती अधिक सक्रिय हुए तो अमेरिका ईरान पर और कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका का दखल बढ़ा तो रूस और दूसरे इस्लामिक देश अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इसराइल की सेना पूरी ताकत से गाजा पट्टी में कार्रवाई कर रही है। हमास के कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं।
हमास के ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई इस्लामिक देश सब्र खत्म होने का संकेत दे रहे हैं और इसराइल के खिलाफ उतरने की धमकियां भी दे रहे हैं। स्पष्ट है कोई एक चिंगारी अब किसी भी वक्त पूरी दुनिया को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर सकती है। इसराइल के सामने एक तरह से इस समय ट्रिपल एच है, एक तरफ हमास है, एक तरफ हिजबुल्ला है, एक तरफ हूती रेबल्स भी है। हम एक एक कर इन सब के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो हूती रेबल्स हैं उन्हें इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। इसराइल आतंकी संगठन हमास से लड़ रहा है, इसराइल लेबनान में पल रहे आतंकी संगठन हिजबुल्ला से भी निपट रहा है और अब इसराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब हमास, हिजबुल्ला और हूती, ट्रिपल एच की तिकड़ी से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। तारीखें बदल रही हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें नहीं बदल रही। 7 अक्टूबर से युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब इसराइल के सामने सिर्फ हमास था। अब 1 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और अब इस लड़ाई में कई मोर्चे खुल गए हैं। हूती ने इसराइल पर हमला करके खुद ये दावा किया है कि वो हमास के साथ खड़ा है। एक दो नहीं, 1600 किलोमीटर की दूरी से यह हमला किया गया, लेकिन आयरन डोम ने हवा में ही इसे रोक दिया। हूती विद्रोहियों की ओर से फायर ये मिसाइल सऊदी अरब और जॉर्डन के इलाके को पार करके इसराइल पहुंची। अब सवाल है कि हूती विद्रोहियों को ये ताकत कहां से मिली? हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत कौन दे रहा है? कौन मदद कर रहा है? कहां से पैसे मिल रहे हैं? इन सारे सवालों को समझने के लिए यमन को समझना होगा। यमन एक ओर ओमान से घिरा है, जबकि दूसरी ओर सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। अमेरिका और सऊदी अरब यमन की सरकार के साथ हैं और ईरान यमन के विद्रोहियों को सपोर्ट करता है। यमन के विद्रोही भी शिया मुसलमान हैं और ईरान भी शिया बहुसंख्यक देश है। ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार से लेकर पैसा तक मुहैया कराता है। यमन में हूती विद्रोहियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि यमन में 70% इलाकों पर अपना दावा करता है। हर साल मिलिट्री परेड होती है। इस मिलिट्री परेड को देखकर ही आप हूती विद्रोहियों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। परेड में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, रॉकेट है, मिसाइल है, आधुनिक राडार है, ड्रोन सिस्टम है, अपग्रेडेड हथियार है। वायुसेना, थल सेना और नेवी की तरह अलग अलग ग्रुप है। इन सारे अधिकारियों के पास रैंक है, वर्दी है, मतलब वो सब कुछ है इस परेड में जिसके बल पर हूती विद्रोही इसराइल को टक्कर देने को तैयार है। हूती विद्रोहियों का संदेश साफ है, अल्लाह सबसे ऊपर है, अमेरिका और इसराइल की मौत चाहिए, यहूदियों का अंत हो, इस्लाम की जीत हो। यमन के हूती विद्रोही कभी फिलिस्तीन का झंडा सामने लगाकर मिसाइलें लॉन्च करते हैं, कभी इसराइल और अमेरिका पर हमले की घोषणा करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक इसराइल को निशाना बनाकर दागे हैं। 2 दिन पहले ही मिसाइल अटैक करने के बाद हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि वो इसराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में इस जंग में सीधी भागीदारी कर रहे हैं। 80 के दशक में अल दीन अल हूती ने यमन में संगठन की स्थापना की। अल दीन अल हूती के समर्थक सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क तैयार करने लग गए, लेकिन धीरे धीरे यमन के शासन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। यमन की सरकार को आज अमेरिका का समर्थन है, इसलिए हूती विद्रोहियों का अमेरिका दुश्मन नंबर 1 है। सऊदी अरब से यमन सरकार को फंड मिलता है, इसलिए पिछले 10 सालों में दोनों के बीच घमासान चल रहा है। हूती विद्रोहियों का मानना है यहूदी मुसलमानों पर दशकों से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हूती विद्रोही यहूदियों का अंत चाहते हैं। हूती विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है, जो सीधे जंग में उतरे तो इसराइल के लिए चुनौती हो सकते हैं। हूती विद्रोहियों के पास वो ड्रोन तकनीक है जो ईरान और रूस इस्तेमाल करते हैं। हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें हैं। हूती विद्रोही यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी पर कई बार मिसाइल से हमला कर चुके हैं।
यमन के हमले में इसराइल को भले नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह यमन ने खुलेआम युद्ध में शामिल होने की घोषणा की है, उसे अमेरिका भी मामूली घटना नहीं मानती। अमेरिका की चिंता इसलिए भी वाजिब दिखती है क्योंकि हमास की ओर से इसराइल पर किए गए बर्बर हमले के बाद मध्य पूर्व में लेबनान से लेकर सीरिया तक और इराक से लेकर यमन तक कई इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने खुलेआम हमास का समर्थन किया है। ऐसी सूरत में इसराइल के लिए खतरा बड़ा हो गया है। इसराइल की तरफ से जिस तरीके से आक्रमण हमास पर किए जा रहे हैं, भारी बमबारी गाजा के पूरे क्षेत्र में चल रही है, बमबारी इसराइल की तरफ भी आ रही है और केवल हमास की तरफ से नहीं आ रही है बल्कि और भी आतंकी संगठनों की ओर से आ रही है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हमास कितना बड़ा खतरा है इसराइल के लिए और ये हमास इतने सालों के इसराइली कार्रवाई के बावजूद खत्म क्यों नहीं हुआ। हमास क्या इसराइल उसे जड़ से मिटा पाएगा? हमास की ताकत क्या है जिसके बल पर वो इसराइल से खुली लड़ाई लड़ रहा है? और क्या इसराइल हमास को समझने में भूल कर रहा है? हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको यूनाइटेड नेशन से भी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इसको डिक्लेयर कराना, एक औपचारिक तरीके से कहना है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनिवार्य है, दिस इज मैंडेटरी, और ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। जंग को एक महीना होने को आया, इसराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन हमास की तरफ से जवाबी हमला अभी बंद नहीं हुआ है। हमास अब भी इसराइल को ललकार रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं जो प्रहार सेंट्रल टेलवीव में करने की कोशिश थी। लोग अब यहां से भीतर किसी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट है जहां पर सारे जो हॉस्टेजेस के घर वाले हैं और उनके समर्थक हैं, वो सब यहां पर बैठे थे, लेकिन अब सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी शेल्टर की तरफ जाएं क्योंकि एक के बाद एक तीन रॉकेट हमले जो इस क्षेत्र में विफल किए गए। हमास आखिर इतना ताकतवर क्यों? क्यों हमास के साथ दुनिया के कई इस्लामिक देशों को इतनी हमदर्दी है? हमास कैसे एक शक्तिशाली देश इसराइल को चुनौती देता रहा है? इन सवालों के जवाब कई हैं, लेकिन सबसे अहम है हमास को मिलने वाली फंडिंग। हमास को कई देश आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है ईरान और तुर्की। ईरान पर आरोप तो ये भी लगते हैं कि हथियार और ट्रेनिंग भी ईरान से ही हमास को मिलती है। कहा जाता है कि ईरान की तरफ से हमास की कुल फंडिंग का 70% पैसा पहुंचता है। कतर भी हमास को बड़ी मदद पहुंचाता है। इसके अलावा कई इस्लामिक देश और पश्चिमी देश चैरिटी के नाम पर पैसा पहुंचाते हैं। इसराइल और हमास के बीच जंग ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार इसराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने से पहले ना रुकने की कसम खाई। इसराइल ने 1947 में अपनी स्थापना के बाद से कई युद्ध लड़े हैं और उनमें से सभी में जीत हासिल की है, लेकिन गाजा में हमलों के हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले हैं। साथ ही हमास को खत्म करने का उसका विचार शायद पूरी तरह खत्म कर पाना इस बार संभव न हो, क्योंकि हमास का गठन पूरी तरह गाजा की मिट्टी के ताने बाने में बुना गया है। हमास का सैन्य बुनियादी ढांचा आवासीय क्षेत्रों में स्थित है और 30,000 से 40,000 लोग नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं। हमास के आतंकी खुद से कहीं बेहतर और अत्याधुनिक इजरायली सेना पर भी भारी प्रहार करने में सक्षम होंगे। इसकी गुरिल्ला रणनीति, टैंक रोधी मिसाइलें और भूमिगत सुरंगों का बड़ा और जटिल नेटवर्क, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से जाना जाता है, हमास के आतंकियों की बड़ी मदद करता रहा है। देखिए, इजरायल उसको बॉम्ब कर सकता था, इजरायल के पास कैपेसिटी है कि वो जो सुरंग है उसको खत्म कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसी सुरंग में उसके हॉस्टेज वहां पे छुपे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में इजरायल कैसे उस हॉस्टेज को पहले बचाए और फिर उन सुरंगों को वहां पे उसको उसका उसको विनाश करे, यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो जो निगोशिएशन अगर चल रहा है, वहां पे निगोशिएशन सक्सेसफुल होता है, हॉस्टेज आ जाते हैं, तब तो इजरायल के लिए वहां पे खत्म करना बहुत मुश्किल। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वहां पे इजरायल सीज बना के रखने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव के माध्यम से जो टेररिस्ट हैं उनको वहां पे स्मोक आउट यानी कि उसको निकालने की कोशिश करेगा। उसमें कितने हॉस्टेजेस का कितना नुकसान होगा यह कहना भी बहुत मुश्किल। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी कोशिशें चल रही हैं। अगर युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी तो हमास के लिए यह बेहतर स्थिति होगी।
हमास ने इस बार हमले किए तो पैराशूट के जरिए अपने आतंकी इसराइल में उतारे, जिन्होंने मौत और दहशत का डरावना मंजर इसराइल को दिखाया। ये दूसरे विश्व युद्ध की तरह था, जब जर्मनी और गठबंधन देश एक दूसरे के खिलाफ पैराशूट से सैनिक उतारा करते थे। इस बार भी वो इसी तरकीब को इस्तेमाल में लाकर बड़े आराम से इसराइल में आए। गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, जिसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में इसराइल की ताकत पर भी सवाल उठे, यानी जमीनी और मनोवैज्ञानिक रूप से छवि पर हमला करने में हमास कामयाब हुआ। दरअसल हमास चेहरा है, उसको नचाने वाली उंगलियां ईरान, तुर्की, सीरिया, यमन, कतर जैसे देशों के हाथों में है। गाजा अगर इसराइल खाली करा भी ले तो क्या गारंटी है कि वहां हमास का अंकुर फिर न फूटाए, क्योंकि गाजा की मिट्टी से कई देशों की सियासत भी चलती है। हमास के समर्थन में सबसे पहले जो आतंकी संगठन सामने आया वो था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने लेबनन की सीमा से रॉकेट दागने शुरू किए इजरायली टेरिटरी पर, कई आईडीएफ के पोस्ट्स पर उसने आक्रमण किया। हिजबुल्ला की संरचना भी हम आपको समझाते हैं और लेबनन की मजबूरी भी। हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्लाह इजरायल से लेकर अमेरिका तक को धमकी दे रहा है। हसन नसरल्लाह उन सबको धमकी दे रहा है जो इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को भड़काने की कोशिश में लगा है। इधर नसरल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उधर हिजबुल्ला के आतंकी हमास के साथ मिलकर इसराइल के 19 ठिकानों पर हमला कर देते हैं। यानी अब यह साफ हो चुका है, भले ही गाजा में इजरायली सेना जमीनी आक्रमण कर रही है, लेकिन हमास के साथ अब हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर युद्ध का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। धधकती आग और रॉकेट अटैक से मची तबाही की तस्वीर इसराइल के उन इलाकों की है जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इस हमले से गुरियन एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। अमेरिका के अनुसार रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर आतंकी संगठन हिजबुल्ला के संपर्क में है ताकि इस युद्ध को और भड़काया जा सके। हालांकि रूस इससे इनकार कर चुका है। और यह भी सच है कि हमास और हिजबुल्ला के साथ आने से आतंकियों की ताकत भी बढ़ गई है। अमेरिका दावा करता है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमला किया गया उसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई होगी, मतलब इशारा रूस और ईरान की तरफ। ये वो जगह है जहां पर थाई मजदूर मौजूद थे। दरअसल वो नजर में नहीं आए थे हमास के आतंकियों के, 30 की संख्या में इस इलाके में गोलियां बरसाते हुए हमास के आतंकी आगे बढ़ रहे थे, वो नजर नहीं आए। लेकिन यहाँ पर पूरे दिन के काम को, थकान को मिटाने के लिए भी वो सब यहाँ पर म्यूजिक सुन रहे थे और उसी म्यूजिक की आवाज ने इन हमास के आतंकियों को यहाँ पर आकर्षित किया, यहाँ पर आकर गोलियों से भून डाला उन सबको। अभी भी देखिए उन सबके कपड़े यहाँ पर आपको टंगे हुए दिख जाएंगे। जो मामूली उनके पास सुविधाएं थी थाईलैंड के उन मजदूरों के पास, उन सारी चीजों को वो सहेज कर यहाँ पर अभी भी रखा गया है। लेकिन थाईलैंड के वो नागरिक, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। हमास के आतंक का शिकार वो ठीक इसी जगह पर हुए। इसराइल के पास 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के मिलाकर 2,55,465 आतंकी। इसराइली सेना के पास 2,200 टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के पास 757 टैंक हैं। इसराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं और हमास और हिजबुल्ला के पास 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं। इसराइल के पास 526 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के पास 201 टैंक हैं। इसराइल के पास 650 स्वचालित तोप हैं, हमास के पास 135 स्वचालित तोप हैं। इसराइली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, हमास और हिजबुल्ला के पास 70 हेलीकॉप्टर हैं। इसराइल के पास 1,000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन हैं, हमास और हिजबुल्ला के पास 62 ऐसे ड्रोन हैं। अब इस लड़ाई का अंत कब और कैसे होने वाला है कोई नहीं जानता। रूस ने CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से खुद को अलग कर लिया है। इस जंग में हिजबुल्ला, हमास और हूती के साथ आ जाने से इसराइल से झगड़ा बढ़ने लगा है। आतंकियों के खिलाफ शुरू हुई ये जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने इसी मेडिटेरेनियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया।
उसके बाद से खुलकर अमेरिका इसराइल के पक्ष में बोल रहा है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है कि अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा बने? इसराइल हमास जंग की आग में क्या पूरी दुनिया झुलसेगी? अमेरिका के तेवर क्या तीसरा विश्व युद्ध कराएंगे? क्या जंग में अमेरिका सीधे उतरने की तैयारी कर रहा है? क्या ऐलान कर रहा है अमेरिका का ऑपरेशन मेडिटेरेनियन? अमेरिका ने साफ कहा है वो इसराइल के साथ है। इसी से ये तय था कि इसराइल के खिलाफ जो आग दिखाएगा अमेरिका उसे खुद के लिए चेतावनी समझेगा। हमास के हमले के बाद तुरंत अमेरिका एक्टिव भी हो गया था। 12 अक्टूबर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। 14 अक्टूबर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इसराइल पहुंचे। 18 अक्टूबर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इसराइल के दौरे पर गए। हमास के हमले के दूसरे दिन से ही भूमध्य सागर में अमेरिका के दो वॉरशिप इसराइल की रक्षा के लिए खड़े हैं। 2000 स्पेशल फोर्स कमांडोज को स्टैंडबाय में रखा गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हमास के साथ युद्ध कर रहे इसराइल को $14.5 अरब की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा दो बार अब तक अमेरिका से लाखों डॉलर के हथियार और गोला बारूद तेल अवीव पहुंच चुका है। वैसे एक संकेत अमेरिका की तरफ से ये भी है कि वो शायद जंग में सीधे न उतरे, क्योंकि हमास के खिलाफ जंग में इसराइल को अफगानिस्तान में चले अमेरिका के लंबे संघर्ष से सबक लेने की सलाह भी दे रहा है। जंग में अपने सैकड़ों नागरिकों को खोने के बाद इसराइल अब गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट लगातार आतंकी अड्डों पर बम गिरा रहे हैं। इजरायली अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमास के हाथ से गाजा निकलना तय है। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि इस युद्ध में अमेरिका का रोल क्या होगा, जब ईरान खुलकर हमास हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह ईरान का शुक्रिया अदा कर रहा है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग को अमेरिका रोज नए मुकाम और नए अंजाम तक ले जा रहा है। अमेरिका दबी जुबान में जमीनी हमले रोकने की बात कर रहा है, लेकिन जंग के 28वें दिन भी जंग के मोर्चे से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस जंग में इसराइल अगर सामने है तो पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि वो इसराइल के साथ लड़ेगा, लेकिन उसने इस बात को हर बार दोहराया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा रहेगा और अगर किसी तीसरे देश की एंट्री होती है तो तब अमेरिका भी लड़ेगा। अब दुनिया की निगाहें ईरान की तरफ है। अगर आग भड़की तो तीसरे विश्व युद्ध के बारूद में धमाका होना तय है। पहले विश्व युद्ध को जब हम याद करते हैं तो इसी क्षेत्र की याद आती है। वो सारे देश टकटकी बांधे सांसें थामे ये देख रहे हैं कि कहीं एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने वाला तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच धमकी और जुबानी जंग का मैदान बन गया है। जंग के मैदान से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का ये मंच इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का वॉर रूम बन गया है। इसराइल बताना चाहता है कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, आतंक के खिलाफ लड़ाई है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत के वीडियो पर जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जबरदस्त वार किया। वहीं फिलिस्तीन ने तमाम देशों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके राजदूत रियाद मंसूर ने पूछा, 1000 इजरायलियों की मौत पर हंगामा खड़े करने वाले अब चुप क्यों हैं, जब हर दिन 1000 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। ईरान, तुर्की, लेबनान जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो अरब के कई देशों के साथ इसराइल करीबी बढ़ा रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से सब कुछ बदल गया। अरब इसराइल रिश्ते एक बार फिर 70 साल पुराने खूनी इतिहास की तरफ मुड़ गए। ईरान इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहा है। सीरिया भी ईरान का पिछलग्गू है। तुर्की मामले को धार्मिक रंग देकर हमास के साथ खड़ा है। कतर और इराक भी हमास के सिर पर हाथ रख रहे हैं। जॉर्डन को हमास से हमदर्दी है। सऊदी अरब और यूएई इसराइल के करीब हैं, लेकिन शांति की अपील भी कर रहे हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला बड़ा फैसला इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए किया, लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो फैसला कभी जमीन पर अमल में आया और ना ही इसराइल फिलिस्तीन का विवाद खत्म हुआ। आज भी इस विवाद को खत्म करने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे। ताकत के बल पर जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अरब देशों की दुनिया भी कई गुटों में बटी नजर आ रही है।